आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम में आप सभी का हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और यीशु अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी इबादत कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके। और परमेश्वर हमसे बेहतर मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। आप जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे, वास्तविक स्वरूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और अगर इन बातों पर अगर हम जयवंत होते तो मुझे आपको बताने के लिए बहुत ही आनंद होगा कि आपके जीवन में आप हर दिन एक जयवंत जीवन जियोगे, विक्टोरियस लाइफ जिसे कहा जाता है। बहुत सारे अपने जीवन में कहीं ना कहीं हताश है, निराश है, अपने आप को हारे हुए महसूस करते हैं। लेकिन मुझे आज आपको ये जो विषय लेकर मैं आपके पास आया हूं, ये विषय के द्वारा आपको मुझे प्रोत्साहित करना है। हम किसी का दोष दिखाने के लिए या किसी का न्याय करने के लिए प्रचार नहीं कर सकते। प्रचार केवल हमारी गलतियों को दिखा सकता है, प्रचार हमें उत्तेजना दे सकता है, प्रचार हमें प्रोत्साहित कर सकता है, प्रचार हमें मसीह में बढ़ने के लिए सहायता कर सकता है। अब जो प्रचार यीशु मसीह की महिमा नहीं करता है, जो प्रचार अगर किसी को एहसास नहीं दिलाता है, वो प्रचार नहीं है, तो वो केवल मनोरंजन और मनोरंजन हो सकता है। परमेश्वर की सेवकाई मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। तो खुदावन की सेवकाई किसी हारे हुए को जीत दिलाने के लिए, किसी कमजोर को मजबूत करने के लिए, किसी दुखित व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए, इसलिए परमेश्वर का प्रचार है। तो हम जो आज ये 20वां भाग देख रहे, पापमय जीवन पर हम जयवंत कैसे होंगे, हाउ टू गेट विक्टोरियस लाइफ अपॉन सिनफुल थिंग्स। और मनुष्य के जीवन में तीन प्रकार की लालसाओं के द्वारा वो पाप में गिरता है और उसके वजह से वो अपने जीवन में परमेश्वर से द्वारा प्राप्त हुई उस जीत का वो अपने जीवन में उसका अनुभव नहीं ले पाता है और अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो मायूस हो जाता है। गलतियां सबसे होती है, लेकिन बार बार गलतियां करना, बार बार उसी पाप को दोहराना, ये कहीं ना कहीं परमेश्वर की परीक्षा लेने जैसी बात है। तो इसी बात के ऊपर हम जो पापमय बातों पर जयवन कैसे होंगे, इस विषय के ऊपर गहरा अध्ययन कर रहे। और बाइबल कहती है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 14 में याकूब फरमाते हैं कि मनुष्य अपनी लालसाओं के द्वारा परीक्षा में गिरता है। आइए उस वचन को पढ़कर हम आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। याकूब उसका पहला अध्याय वचन 14। ओके। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ता है, खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा कह सकते हो या आप उसे लालसा कह सकते हो। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मतलब अभिलाषाओं के, मतलब नाना प्रकार की लालसाओं के परीक्षा में खींचकर, मतलब कहीं ना कहीं ये अभिलाषाएं या ये को स्त्री या पुरुष हो उन्हें अपनी तरफ खींचती है। अब एक बार वो वहां पे खींचा चला गया तो उसे बाइबल यहाँ पे कहती है कि वह उसको फांसती है, फंसकर फिर वो परीक्षा में पड़ता है। अब जैसे परीक्षा में पड़ता है, अभिलाषा के बाद बाइबल कहता है कि अभिलाषा गर्भवती होती है। अब एक बार वो लालसा गर्भवती हो गई ना, तो उसके बाद पाप का जन्म होता है। तो मुझे आज आपको इन बातों को बहुत ही स्पष्ट रीति से बोल्डली आपको बताना है कि आपको और मुझे हर हालात में, हर स्थिति में मसीह जीवन में एक जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए हमें अभिलाषाओं के ऊपर, लालसाओं के ऊपर, इन सभी बातों के ऊपर, टेम्पटेशंस के ऊपर, अट्रैक्शंस के ऊपर,
वर्ल्डली सांसारिक बातों के ऊपर हमें हर हालात में जयवंत होना होगा। बहुत सारे लोग यही पर गलती कर देते, बड़े बड़े सूरमा इन अभिलाषाओं में गिरकर फंसकर पाप को जन्म देकर अपना जीवन बर्बाद कर चुके। ये अभिलाषा अगर अच्छी बातों की है तो निश्चय मनुष्य, अगर अभिलाषा आत्मिक बातों की है तो वो मनुष्य स्थिर रह सकता है। लेकिन अभिलाषा जो तीन प्रकार की होती है, या आप उसको लालसा कह सकते हो, नंबर एक शैतान का सबसे बड़ा शस्त्र है। अब वो शस्त्र क्या है पता है? वो स्त्री के सामने पुरुष के जिस्म का अट्रैक्शन, पुरुष के सामने स्त्री के जिस्म का अट्रैक्शन, और ये अपोजिट सेक्स का जो अट्रैक्शन है जिसे हम कहते हैं तन की लालसा या तन की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। और बहुत सारे लोगों ने इस शरीर की अभिलाषा के पूरा करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अभिषेक थूक चुके। दुष्ट जानता है किसकी कमजोरी कहाँ है। अब इस शरीर की अभिलाषा में हमने बहुत दो अच्छे कैरेक्टर को देखा, जिसमें एक है यूसुफ और दूसरा है राजा यहू। राजा यहू ने इज़बेल को ऊपर से पटक देने की आज्ञा की। इज़बेल वास्तविक उसके ऊपर वो टेम्पटेशंस, वो एट्रैक्शंस के द्वारा ट्राइड टू सेड्यूस हिम, उसको सेड्यूस करने का वो प्रयत्न कर रही थी, लेकिन यहू ने उसको पटक देने की आज्ञा दी। यूसुफ उस पोटीपर की स्त्री के उस माया जाल से अपने वस्त्रों को खोकर भाग गया, इसलिए वो जयवंत हो गया। थोड़ा समय लगा, लेकिन जब उसका समय आया परमेश्वर ने उसको महिमा से महिमा में लेकर गया। हालेलुया। लेकिन वही दो नेगेटिव कैरेक्टर भी हमने देखे, एक है सैमसन, दूसरा है दाऊद। अब ये सब बातें हम देख चुके। फिर हमने धन की वासना के बारे में देखा। धन की वासना या धन की अभिलाषा या धन की लालसा मनुष्य को किस प्रकार के गड्ढे में लेकर जाती है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि रुपया है तो सब कुछ है, माल है तो ताल है, वरना तो बेकार है। लेकिन आज जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास अरबों करोड़ों रुपए थे, इटली जैसे बड़े राष्ट्रों में सड़कों के ऊपर मिलियंस और बिलियन से पाउंड्स पड़े हुए थे, लेकिन शहर के शहर सूने पड़े हुए थे, इंसान नहीं दिख रहा था, लेकिन रस्ते पे पैसा दिख रहा था। वो पैसा किसी की जान बचा नहीं पाया। और बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है क्रोध के समय रुपया काम में नहीं आता है ना। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि दुनिया की एक तरीका है, ना बीवी ना भैया, ना बाप बड़ा ना सैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ये रुपया सबसे बड़ा नहीं है, ये दुनिया का तरीका है। ये रुपया आपको जान बख्श नहीं सकता है, ये रुपया आपको पवित्र जीवन दे नहीं सकता, ये रुपया आपको उद्धार नहीं दे सकता। केवल अब केवल एकमात्र चीज है, यीशु मसीह आपको उद्धार दे सकता है। और जिसको उद्धार मिला है वो जीते जी परमेश्वर के राज्य में बलवान और धनवान हो गया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। शायद जैसे बाइबल कहता है कि परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह ने फरमाया है कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, आज इंसान ने दो स्वामी अपने जीवन में रखे, एक परमेश्वर और पैसा। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने धन को अपना स्वामी बनाया है, उनके जीवन में शायद दुनिया की सब बातें होंगी, लेकिन यीशु मसीह कहता है जैसे मैं जो शांति देता हूं दुनिया देती वैसी शांति नहीं। उनके पास मसीह की शांति, मसीह का आनंद कभी नहीं मिलेगा। आज हम धनवान होने के बारे में भी देख चुके, धनवान किस चीज में होना है वो भी देख चुके, लेकिन अभी हम देख रहे मन की लालसा, मन की अभिलाषा कह सकते हो आप। तो मन की अभिलाषा में हम मन की अभिलाषा के ऊपर कैसे जयवंत होंगे, फिर मन की अभिलाषा में कौन सी चीज आती है? तो नंबर एक आता है अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड। ये जो चार बातें है ना, ये चार बातें आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में आएगी। शायद आप बहुत पढ़े लिखे हो, अब अगर आपको लगने लगा कि मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड होता है। कोई ज्ञानी होने की वजह से किसी के पास बहुत सारी दौलत,
शोहरत, बड़े बड़े नाम, बड़ी कोठिया, हवेलिया, बड़ी दौलत, दुनिया के सारे ऐश्वर्य जिनके तब उनके अंदर अगर ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ये अहंकार, धन का अहंकार, सब प्रकार की सांसारिक बातें का अहंकार, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार, पर्सनैलिटी का अहंकार, अपनी जो परमेश्वर ने दी हुई उस सुंदरता का, परमेश्वर के बारे में तो नहीं लेकिन उस सुंदरता पे कोई घमंड करता है, किसी को रूप का, रंग का घमंड, किसी को अपने पर्सनैलिटी का घमंड, किसी को अपने बड़े बिजनेस का घमंड, कोई सेवक है किसी को अपने बड़े चर्च का घमंड, अपनी बड़ी भीड़ का घमंड, अपने शानो शौकत का घमंड, लेकिन मुझे आपको बताना है परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है। अगर हम इस स्वभाव में है, मैंने फिर से दोहराना चाहता हूं, शैतान तीन प्रकार के शस्त्र इस्तेमाल करता है। अगर कोई व्यक्ति तन की लालसा में नहीं गिरा या तन की अभिलाषा में नहीं गिरा तो उसके सामने धन लेकर आता है, दुनिया का चकाचौंध, वर्ल्डली अट्रैक्शन, मनी। पिछले कुछ चर्चेस में कुछ दिन पहले ना उन्होंने पैसों के ऊपर गीत बनाया था, गॉड इज मनी मनी, परमेश्वर पैसा नहीं है, पैसा हमारी जरूरत है लेकिन परमेश्वर हमारी सांस है, हमारा जीवन है, हमारी प्राथमिकता है। बहुत से बार इन्हीं बातों को सब कुछ समझा जाता है। अब हमने ऑलरेडी देख चुका है जो लुका के 16:15 में दुनिया की नजरों में दुनिया को जो महान लगने वाली बातें ना वही बातें परमेश्वर को घृणित लगती है। कभी कभी इन बातों में इंसान इतना घुलमिल जाता है उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। शुरुआत बहुत नम्रता से चलता है इंसान लेकिन जब उसकी परिस्थिति बदल जाती है, जब उसके जीवन में वो नाम, दौलत, शोहरत, वो मुकाम वो हासिल कर लेते, उनका एम्बिशन को जब पूरा कर लेते वो परमेश्वर को भूल जाते और अपने अंदर एक ऐसा स्वभाव लेकर आते जिसे कहा जाता है अहम, मैं, ईगो। ये जब आता है ना तब उस ईगो के अंदर चार प्रकार के स्वभाव काम करते, वो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, वो व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, वो व्यक्ति गर्विष्ठ हो जाता है, वो व्यक्ति घमंडी हो जाता है। अब यही बातें बाइबल का परमेश्वर कहता है, नाश होने से पहले घमंड आता है, ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आज तुम्हें और मुझे अपना जीवन इस तरीके से जीना है कि प्रभु परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे जीवन में जो कुछ है, मैंने जो हासिल किया है ना वो मैंने नहीं किया है, अगर तेरी कृपा नहीं होती ना तो मुझे कुछ नहीं मिलता। यीशु मसीह ने नए नियम में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति के खेत में बड़ा धान आया, बड़ी फसल आई, इतनी बड़ी फसल आई, फसल आने तक उसको कुछ नहीं लगा। जब उसने देखा इतनी फसल आई है, वो कहता है मैं बड़े बड़े कोठार बनाऊंगा, बड़े बड़े गोडाउन बनाऊंगा और इस धान को रखूंगा। अब वो कहता है कि हे मेरी जान, खा पी मजा कर, लेकिन उसको यीशु मसीह कहता है अगर आज रात तेरा प्राण तेरे अंदर से निकाल लिया गया तो क्या कर, क्या लाभ होगा इस दुनिया को जीत कर, क्या प्राप्त होगा हमें अगर हमने हमारी आत्मा का नाश किया तो। निश्चित हमें ये सब बातें चाहिए लेकिन इन बातों के लिए हमको खुदावन को खोना नहीं है, हमें खुदावन के मार्ग से दूर जाना नहीं है, हर हालात में हमें नम्रता से चलना है। तो आइए अपने वचन की ओर हम अपना ध्यान लगाते हैं और नीति वचन की किताब में चलेंगे। ये 20वां भाग हम देख रहे हैं। तो बाइबल कहती है, अगर हम देखेंगे नीति वचन का 16:18, नीति वचन 16:18, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में वो विनाश क्यों हो गए, क्योंकि विनाश से पहले उनके अंदर, उनके पास जो भी भौतिक बातें हैं, जो भी उनका मान सम्मान, समाज का स्थान, उनकी धन दौलत,
उनको मिले हुए टैलेंट्स, उनको मिले हुए गिफ्ट्स, उनकी पर्सनालिटी, उनकी धन दौलत, ये सब बातों के वजह से बाइबल कहता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 18, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ये बहुत खतरनाक बात है आजीजों, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें गिर गए। शुरुआत नम्रता से करने वाले आगे जाके अकड़ जाते हैं, अंदर एक अकड़ आ जाती उनके, उन्हें गरीब दिखाई नहीं पड़ते, उन्हें गरीब दिन दयालु दिखते नहीं है, वो केवल अपना मकसद अपना फायदा देखते। और कुछ बातों को देखेंगे हम, 29:23 द्वितीय वचन 29:23 क्या कहते पढ़ेंगे, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। इतना अच्छा लगता है मुझे, गर्विष्ठ व्यक्ति गर्व के वजह से, घमंडी व्यक्ति अहंकार और अभिमान के वजह से एक समय आता है उसको। एक एग्जांपल जैसे मैंने परसों ही बताया, जो घमंडी व्यक्ति को अपने बच्चों पे बहुत घमंड होता है, मेरी संतान ऐसी है, लेकिन वही संतान ये बड़े बड़े वीआईपी लोग होते हैं ना, बड़े बड़े स्थान पे बैठे हुए, मंत्री संतरी के स्टेट पे बैठे हुए, उनको लगता है हमारे पास सारी ताकत है, हमारे पास सारी हुकूमत है, हमारे बच्चे है वो है, और यही बच्चे जब ऐसा कुछ कुकर्म करते हुए पकड़े जाते ना, तो इन बड़े बड़े लोगों को अपनी गर्दन झुकानी पड़ती। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य को गर्व के कारण एक दिन नीचे दिखना पड़ता है, लेकिन नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। तुम्हें और मुझे वो नम्र आत्मा वाला बनना है, ताकि हमें इस दुनिया की नहीं वो स्वर्ग के पिता की महिमा का अधिकारी होना है। अब जिसके पास वो महिमा का धन है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस दुनिया में वो सबसे अधिक धनवान व्यक्ति है। हालेलुया। उस महिमा में पर्वत मोम के नाई पिघल जाते हैं, उस महिमा में समंदर दो हिस्से में बढ़ जाता है, उस महिमा में चट्टान से पानी आता है, उस महिमा में दिन में मेघ स्तंभ, रात में अग्नि स्तंभ, उस महिमा में आसमान से मन्ना आता है, उस महिमा में नामुमकिन बातें मुमकिन होती। किसको? बाइबल कहता है, मैं जब इस वचन पे आता हूँ ना, तो मुझे एक कैरेक्टर दिखता है जिसके बारे में खुद परमेश्वर ने जिक्र किया है। आपको पता है कौन है वो? अब वो व्यक्ति महिमा का अधिकारी हो गया। क्यों हो गया पता है आपको? मूसा के बारे में बाइबल कहता है, खुद परमेश्वर फरमाते हैं, इस दुनिया में मूसा को छोड़ कोई नम्र नहीं है। आमीन। मूसा को छोड़ कोई नम्र नहीं है। और बाइबल कहता है नम्र व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है, इसीलिए उस मूसा ने परमेश्वर की महिमा को फिरौन के राज दरबार में दिखाया, फिरौन के देश में दिखाया। उसी महिमा का अधिकारी लाल समंदर को फटते हुए देखता है, उसी महिमा का अधिकारी चट्टान से पानी लाता है, उसी महिमा का अधिकारी अद्भुत सेवकाई करता है। क्यों? क्योंकि खुद यीशु मसीह यहोवा पिता पुराने नियम में फरमाते हैं, इस दुनिया में मूसा के जैसा। अब किसको कहता है? जब मूसा की बहन मिरियम और उसका भाई अहरून, उन्होंने जब मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाहट की, तो परमेश्वर मूसा के साइड से कहता है, हे हारून, हे मिरियम, इस दुनिया में मूसा के जैसा कोई नम्र मुझे नहीं दिखता है। आमीन। अब जो नम्र होते हैं ना, नम्र वही लोग होते हैं जो लालसाओं के ऊपर जयवंत होते, जो घमंड के ऊपर जयवंत होते, जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो कहते हैं आई एम नथिंग, जो डिजर्व करते हैं, जो उस लेवल के लोग होते, लेकिन तो भी वो कहते नहीं नहीं मैं उस लायक नहीं हूं, वही लोग महिमा के अधिकारी होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, तो भी उनको घमंड, किसी को धन का घमंड, किसी को अच्छी पर्सनैलिटी का घमंड, किसी को अच्छे बड़े परिवार का घमंड, जायदाद का घमंड, ज्ञान का घमंड, बड़े कॉन्टेक्ट का घमंड। लेकिन कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनके पास कुछ ना होने के बाद भी घमंड। नीति वचन में आपने ऑलरेडी परसों पढ़ा है वो,
लेकिन अभी मैं वहां पे ना जाते हुए मैं आज आपको आप थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूं। क्या कहता है बाइबल? जब हमने याकूब की पत्री से 4:6 में देखा, याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, आपने उसने कहा है परमेश्वर नम्र लोगों को शिरोमणि बनाता है, शिरोमणि अपने सर के ताज बनाता है परमेश्वर नम्र लोगों को। अभी आपकी चॉइस है, आपको क्या बनना है? आपको इंसान के सर पे बैठना है क्या आपको परमेश्वर के सर पे बैठना है? ये आपकी चॉइस है। जो दुनिया में परमेश्वर के सामने नम्र रहते वही परमेश्वर दुनिया में उन्हें शिरोमणि बनाता है। आमेन। और आज हम यज्ञ की किताब में से कुछ बात देखेंगे। यज्ञ नबी का 31 अध्याय और वचन 14। फिर मैं आज ये अहंकार का जन्म कहां हुआ ना उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। यज्ञ 31:14। थैंक यू जीसस। एक मिनट। यस, 31:14। यह इसलिए हुआ कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई ना बढ़ाए, ना अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए, आप उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं, वे ऊंचे होने के कारण सिर ना उठाए, क्योंकि वे भी सब के सब कब्र में गड़े हुए मनुष्य के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा प्रोफेटिकली एक उदाहरण दिया गया है और मिस्र की तुलना की गई है। मिस्र की तुलना वृक्ष के साथ की गई है, पेड़ के साथ। एक भाषांतर में ऐसा दिया है, वृक्षों ने अपनी ऊंचाई पे घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जल के स्रोतों के पास लगाया गया है। हमें भजन संहिता पहला अध्याय में एक वचन बहुत अच्छा लगता है, कौन सा है? जो वृक्ष पानी के सोते के पास लगाए जाते हैं वो अपने मौसम में फलवंत होते हैं, है ना? तो वृक्ष ने घमंड नहीं करना चाहिए। वो वृक्ष कौन है? आप और मैं। बाइबल में इंसान को कुछ उपमा दी गई है, उसमें से पेड़ की उपमा मनुष्य को भी दी गई है ताकि हम फल दे। अगर मेरी ऊंचाई बढ़ रही है, मैं आर्थिक क्षेत्र में ऊंचा बढ़ रहा हूं, मैं आत्मिक क्षेत्र में ऊंचा बढ़ रहा हूं, मैं शारीरिक क्षेत्र में ऊंचा बढ़ रहा हूं, मेरी बहुत उन्नति हो रही है, मैं ऊंचाई की तरफ जा रहा हूं, तो ऊंचाई को देखकर घमंड मत कर, क्योंकि जल का सोता जो यीशु मसीह जो तुझे सप्लाई कर रहा है ना, वो सप्लाई अगर कट हो जाए ना तो तेरी ऊंचाई कुछ काम की नहीं है, तो तू जल कर सूख कर नीचे गिर जाएगा। अब एक बार तू सूख गया ना तो यहाँ पे अधोलोक का उदाहरण दिया है, तो तुझे जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए अपने पैसों की ऊंचाई, अपने अमीर की ऊंचाई, अपनी ज्ञान की ऊंचाई, अपनी पर्सनैलिटी की ऊंचाई, अपने समाज में जो स्थान है उस मान सम्मान की ऊंचाई, अपनी दौलत शौहरत की ऊंचाई, इस ऊंचाई का घमंड मत करो, क्योंकि उस ऊंचाई तक लेके जाने वाला परमेश्वर है, यीशु है, इसलिए हम वहां तक पहुंच चुके हैं। इसलिए घमंड करना है तो परमेश्वर की बातों पर, घमंड करना है ना तो परमेश्वर की सूली पे करो, अगर अभिमान करना है ना तो यीशु के नाम का अभिमान करो। पौलुस कहता है मुझे यीशु के नाम का और उसकी सूली का बहुत ही घमंड है। आज लोगों को अपने नाम का, अपने काम का घमंड है, अपनी चीजों का घमंड है। लेकिन मुझे आपको बताना है, ये यज्ञ 31:14 क्या कहता है? मिस्र के बारे में बताया गया, वही मिस्र जिसे बहुत घमंड था लेकिन वो मिट्टी में मिलाया गया बाद में, वही मिस्र उसको बंदी बना दिया गया, वही मिस्र गुलामी में आ गया जिसने इजराइलों को गुलाम किया था। कुछ समय के बाद वो अलेक्जेंडर किंग ने और सब बेबीलोन किंग ने मिस्र के ऊपर जयवंत पाई, अश्शूरी राजा सनेबिब ने मिस्र को मिट्टी में मिला दिया था। आज बहुत सारे लोगों को अपनी ऊंचाई का बहुत घमंड है, इसलिए ये मन की लालसा में अगर मेरे अंदर अहंकार आता है, अभिमान आता है, गर्व आता है या घमंड आता है, ये चार बातें हमने बहुत अच्छी से देखा है। विनाश से पहले
गर्व आता है और बाइबल स्पष्ट कहती है नाश से पहले घमंड भी आता है। तो क्यों हम घमंड करें? आज क्यों ना हम यह कहें कि प्रभु मैं जो कुछ भी हूं ना वो तेरी वजह से, प्रभु मेरे जीवन में जो भी है ना मैं वो केवल तेरी वजह से। जो कोई ऐसा स्टेटमेंट देकर जिएगा ना, जो कोई अपने जीवन में ऐसा परमेश्वर को ऊंचा उठाएगा ना, परमेश्वर उसको महिमा से महिमा भी लेकर जाएगा। क्योंकि आपने अभी अभी देखा है 29 क्या पढ़ा था हमने, इति वचन 29:23 में हमने पढ़ा था, क्या कहा गया है फिर से मैं आपके लिए दोहराना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। अब ये वचन बार बार हमारे कान पर हर रोज गिरना चाहिए ताकि हम सीधी चाल चल सके। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। अब अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अहंकार, अभिमान, घमंड और गर्व ये आया कहां से, ये पहली बार आया किसके जीवन में और उसका प्रतिफल क्या मिला उसे। तो उसके लिए आपको यस्केल नबी का 28 अध्याय और वचन 14 से 17 पढ़ना होगा। यस्केल नबी का 28 अध्याय और वचन 14 से 17। यस, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग के सरी के चमकने वाला मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया, जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था, परंतु लेन देन की बहुताई के कारण तू उपद्रव भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, अब ये छाने वाले करूब मैंने तुझे आग के सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों को अपनी सुंदरता का घमंड आता है, अपनी सुंदरता का अभिमान रहता है, अपनी सुंदरता का एक अहंकार आ जाता है। और इसका जन्म कहा हुआ पहली बार, ये लूसीफर जो स्वर्ग में रहने वाला एक करूबीम था, जो परमेश्वर को अपनी पंखों से थिरकते हुए झंकार और संगीत के द्वारा परमेश्वर को बहुत परमेश्वर को संतुष्ट करता था। और यही बातें कुछ दिन कुछ समय के बाद जो शुरुआत में नम्रता में आराधना करने वाले लोग होते हैं ना, जिनको कुछ गिफ्ट मिलता है बजाने का गाने का, वो शुरुआत में बहुत नम्र होते, लेकिन जैसे वो पॉपुलर होना शुरू होते, जैसे ये लोग फेमस होना शुरू होते, जैसे उनको शोहरत मिलना शुरू हो जाती है, वैसे उनके अंदर ये लूसीफर के जैसे मन फूलने वाला मतलब अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड का स्वभाव आता है। जो पहले किस हालात में भी आके आराधना करते थे, जिस परिस्थिति में भी आके आराधना करते थे, अभी वो सब प्रकार के लैविश लाइफस्टाइल में आना चाहते। मुझे किसी ने बताया, एक बड़े आराधक को उन्होंने मीटिंग में बुलाया था। अब उस आराधक को बुलाने के लिए उन्होंने गाड़ी भेजा, फोर व्हीलर। तो वो आराधक क्या कहता है पता है, मैं इस टाइप की गाड़ी में नहीं आऊंगा, मुझे थोड़ा सा ऊपर की वर्जन की गाड़ी चाहिए। उन्होंने कुछ होंडा सिटी या कोई गाड़ी भेजी थी, वो कहता है बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज भेजो तो मैं उस गाड़ी में बैठ कर आऊंगा, मुझे अगर रखना है तो 5 स्टार में रखना चाहिए। ये सब बातें हम देखते हैं। ये बातें क्या है, ये यही बातें है, मनुष्य शुरुआत करता है आत्मा में लेकिन अंत करता है शरीर में। यही बातें लूसीफर जो करूबीम था, जो परमेश्वर की हुजूरी में दिन रात आराधना करने वाला था, अब ये बात उसके अंदर पाई गई। अब यही स्वभाव बहुत सारे सेवकों में आ जाती है, बहुत सारे सेविका में आ जाती है, आराधक में आती है, विश्वासी में भी आती है। मुझे पता है ना, मैं बहुत सारे लोगों से जानता हूं जिनकी शुरुआत बहुत गरीबी में थी, परमेश्वर ने जैसा ब्लेस किया उनको, जब तक वो बहुत नम्र थे,
अब एक अच्छे पायदान पर पहुंच गए ना, उनको दुनिया कीड़े मकोड़ों के जैसी लगती है। वो इंसान की इज्जत नहीं करते, वो भाई भाई की इज्जत नहीं करते, उनके अंदर वो घमंड आ जाता है, उनको लगता है हम कुछ तो है। लेकिन मुझे आपको बताना है, हम कुछ नहीं है, हम धूल मिट्टी रखते। यीशु के लहू के द्वारा हमें इस दुनिया में अस्तित्व मिला है। इसलिए हे इंसान, इस दुनिया में तुझे जिसने रखा है, अगर घमंड करना है तो उस यीशु नाम का घमंड कर, अगर अभिमान करना है तो उसकी सूली का अभिमान कर, अगर गर्व करना है तो उसके लहू के ऊपर गर्व कर। बाकी दुनिया की बातें सारी नश्वर बातें हैं, खत्म होने वाली बातें हैं। बाइबल कहती है यहाँ पे, क्या कहता है वो, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हम लोग कहते ना मती मारी गई इसके, अभी पहले बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छी थी, कितना अच्छा बात करता था, लेकिन अभी ये सुंदरता, अभी ये शोहरत, ये दौलत, ये इज्जत, इसके वजह से इसकी मती मारी गई है, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, इसका मन फूल गया है, इसके अंदर घमंड आ गया है। क्यों? यहां शुरुआत हुई है, उसके अंदर मैं आ गया। मैं देखो आगे पढ़ेंगे, फूल उठा था, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रख दिया है। देखो तेरे अधर्म के काम बहुतायत से थे, लेन देन की कुटिलता तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझे ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ है, मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। अभी और एक बात देखेंगे हम, 10-15 मिनट हमारे बचे। ये आपको समझ में तो आया होगा कि अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड, इसको एक बात में हमने देखा है, अभिलाषा पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे या मन की अभिलाषा पे कैसे जयवंत होंगे, मन की लालसा पे कैसे जयवंत होंगे। तो इन बातों के ऊपर आज हमें बहुत ही गंभीरता से देखना होगा। अभी चलते हम यशया नबी का 14 अध्याय और वचन 12-14, यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलेगी। यशया नबी का 14 अध्याय और वचन 12-14, बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। बहुत सारे लोग शैतान को क्या कहते हैं, काला कलूटा है, बहुत ही विद्रूप है, भयंकर है, ये आपकी गलत सोच है। शैतान ऐसा नहीं है, उसके जैसा इस कायनात में कोई सुंदर नहीं है। कभी कभी मुझे हंसी आती है, कुछ विश्वासी लोगों के घर में भी है ना, छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जब जन्म लेते तो थोड़े बढ़ने तक है ना, उसके गाल को टीका, उसके चिन पर टीका, कान के नीचे पीछे टीका, पैरों के तलवे में टीका, काला टीका लगाते। क्यों? नजर ना लगे उसको। अब क्यों काला? क्यों? क्योंकि शैतान काला है। ये आपकी सोच गलत है। बाइबल शैतान की पहचान देते है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू आकाश से कैसे गिर पड़ा है। अरे इतना चमकदार था वो, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि उसको सुंदरता के वजह से घमंड आ गया, इतना सुंदर हैंडसम था वो शैतान। इसीलिए वो जब आता है ना, सुंदर सुंदर अट्रैक्शन लेकर आता है, सुंदर सुंदर अभिलाषा को लेकर आता है, अब वो पाप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमने पाप का जन्म देखा है याकूब 1:14 में, अभिलाषा में खींचकर, परीक्षा में फंसकर अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर पाप को जन्म देती है। बहुत जबरदस्त उसके बाद फॉर्मूले, जितनी बाइबल आपको पता नहीं ना, उससे 100 गुना बाइबल उसको पता है। कौन सा वचन का इस्तेमाल करना है ना, वो बताएगा आपको। वो भोर का चमकता तारा था, लेकिन क्यों गिरा उसके ऊपर आगे देखेंगे। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। अभी देखो, तू मन में कहता तो था,
मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मेरे शब्दों की ओर ध्यान लगाओ, क्या कह रहा है यहाँ पे शैतान के अंदर के विचार क्या कह रहे थे? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, नंबर एक चढ़ूंगा। मैं को ध्यान रखो, मैं बहुत सारे लोग I am, I bless you, I heal you, who are you, we have nothing। उस आई के जगह पर अगर आप ये डालोगे आई prophesy इन द नेम ऑफ Jesus, आई heal इन द नेम ऑफ Jesus, आई bless यू इन द नेम ऑफ Jesus, बहुत सारे लोग में आई आ जाता है। जो पहले इन द नेम ऑफ जीसस का इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग आज भी आपको दिखेंगे वो आई का इस्तेमाल करते हैं। दुष्ट लूसीफर की पहचान दी गई है, वो कह रहा था मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, दूसरी बात कहता है मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से भी ऊंचा करूंगा। जिस बाप ने उसको बनाया ना वो बाप का बाप बनना चाहता था। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर को बाप कहने वाले लोग एक समय के बाद वो खुदा के बाप बनने की कोशिश जाते हैं। जो महिमा खुदा को जानी चाहिए वो महिमा खुद को लेना शुरू कर देते हैं। सावधान, आगे पढ़ेंगे। की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी उच्च स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान तुल्य हो जाऊंगा। चार बातें मैं में, अब ये चार बातों में आपको दिखेगा। मैंने जो विषय लिया है मन की अभिलाषा या मन की लालसा, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि मन की अभिलाषा में जो पहली बार मैंने कहा था अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड, ये मन की अभिलाषा में कोई ना कोई एक पार्ट आ गया। मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो एक दिन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर कोई भी हो, राजू ठाकुर क्यों ना हो, कोई भी हो, घमंड नहीं चाहिए, नम्रता हमें ऊंचाई है ना। नम्रता से पहले है ना घमंड, घमंड के पहले विनाश आता है। अब जब हमारी उन्नति होती है ना तो हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग इन बातों में फंसे हुए, पहले वो एक टाइम का खाना खाने के लिए मोहताज होते थे लेकिन आज दो दो टाइम का खाना वेस्ट कर देते वो लोग। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, मैं थोड़ा वो बात बताकर फिर ये चार बात बताऊंगा। मैं एक सेवक का बहुत फैन हो गया था, ये मेरी गलती है क्योंकि मैं इंसान को परमेश्वर की महिमा देने की कोशिश कर रहा था। उस इंसान की गवाही ऐसी थी कम से कम 26 से 30 राष्ट्र में सेवकाई करके आने वाला सेवक, आज भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उस सेवक के पास में बहुत नजदीक जाकर मैं ठोकर खाने का कारण बन गया था। उस सेवक की गवाही यह थी कि उसको घर से निकाल दिया प्रभु में आने के बाद। एक ब्राह्मण परिवार से आया हुआ था, कर्नाटक का था, मैं नाम नहीं लूंगा। वो कहता है मैं रेलवे स्टेशन पे सोता था, दिन में 3 इडली खाता था 1 रुपया की, और उसमें सोकर वो इडली खाकर दूसरे दिन सेवा करता था, फटीचर साइकिल पे जाता था गाँव गाँव में। लेकिन वही सेवक को कुछ साल के बाद जब मैं उसकी सेवकाई के लिए मुझे चुना गया था उसकी सब देखरेख के लिए, वो सेवक खाने के टेबल के ऊपर फलाना फलाना आइटम सब मंगाता था, वो 5 स्टार के सिवाय रहता नहीं। आज वो उसका मीटिंग अगर रखना है ना, वही 3 इडली खाकर साइकिल पे सेवा करने वाला क्या कहता है पता है? 5 स्टार रहेगा तो मैं आऊंगा, मेरे बॉडीगार्ड को मेरे आसपास 2 रूम चाहिए, हमारे लिए BMW से नीचे गाड़ी नहीं चाहिए। वही साइकिल पे घूमने वाला अभी BMW की फरमाइश करता है। 3 इडली खाने वाला 5 स्टार में खाने के ऊपर लाखों रुपए उड़ा देता है, तो ये सेवक है? ये कहीं ना कहीं ये स्वभाव अंदर आ गया। जो शुरुआत नम्रता से करते और अंत नम्रता से करते ना वही महिमा के अधिकारी होते। विनाश से पहले घमंड आता है, गिरने से पहले घमंड आता है, उठने से पहले नम्रता आती है। क्या वो नम्रता है हमारे अंदर? देखो चार बातें आप देखेंगे अभी शैतान की यहां पर क्या कहता। पहली बात, वो तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, नंबर एक उसके अंदर आ गया अभिमान, मैं स्वर्ग पे स्वर्ग से ऊपर चढ़ूंगा। दूसरी बात, मैं अपने सिंहासन, मैं ये मैं को छोड़ना नहीं, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर
सभा के पर्वत पर विराजूंगा। यहाँ पे आ गया अहंकार, मैं परमेश्वर से भी बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, मैं करूंगा, मैं दिखा दूंगा क्या है। बहुत सारे लोग ये लैंग्वेज यूज करते, तब समझना है अहंकार मन की लालसा में या मन की अभिलाषा में पहली बात आती है, नंबर एक अभिमान जो कहता है मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, नंबर दो अहंकार मैं परमेश्वर से बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। अभी नंबर तीन पे आएगा गर्व। गर्व क्या कहता है देखो, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, ये आया गर्व। इसलिए कोई बोलता है बहुत गर्व आया इसको, देखो कैसा ऊपर उड़ रहा है, इसके अंदर बहुत गर्व आया है, ऊपर क्यों उड़ रहा है। और बरोबर यहाँ पे गर्व ऊपर क्यों उड़ने की बात आती है ना, तो वो क्या कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचा उड़ूंगा, मेघों से ऊंचा ऊपर की हवा। बहुत सारे लोगों को हवा लग जाती है, शुरुआत बहुत नम्र रहते हैं, नहीं प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, तूने मुझे कुछ नहीं दिया तुम्हें वो करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन अभी बड़ी बड़ी लिस्ट देते, लिस्ट आई वॉन्ट 5-star होटल, आई वॉन्ट BMW कार, और उसके भी आगे मुझे कम से कम .. इतना ऑफरिंग देना पड़ेगा, या तो आखिरी दिन का जो भी ऑफरिंग जमा होगा मैं कटड़ी बांधकर मेरे घर को लेके जाऊंगा। ये गर्व हवा में लेके जाता है, ऊंची हवा की उड़ान। लेकिन हमारे मराठी में एक वर्ड है, गर्वाच घर खाली असत। एक समय आएगा कोई कुत्ता नहीं पूछता उस वैसे व्यक्ति को, परमेश्वर छोड़ देता है, वो समय देता है मेरे बच्चे सुधर जा। लूसीफर के इस मन की अभिलाषा में, उस अभिमान से, उस अहंकार से, उस गर्व से नीचे आ जा। लेकिन आज बाइबल का वचन बोलने वाले लोग खुद घमंडी हो गए। अभी घमंड चौथा पाठ बताता हूँ क्या है, क्या कहता है वो, मैं मेघों से ऊपर स्थानों में चढ़ूंगा। फिर आया मैं, चार मैं आया। आप आपके बाइबल में अंडरलाइन कर सकते हो, अगर आप 13-14 तक अगर इस वचन को पढ़ोगे तो चार बार मैं, मराठी मध्ये मी और इंग्लिश में आई आ गया आई। देखो वो क्या कहता है, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपने विश्वासियों को सिखाते मेरे को परमेश्वर की उपमा दो। मनुष्य क्या कि परमेश्वर से दर्शन दे, मृत्यु पाने वाला मनुष्य क्या है जो परमेश्वर से दर्शन देता है, जो उसको याद करता है। हाँ, क्या इंसान है, एक हवा की भाप, पानी का बुड़बुड़ा, शाम की घास, ये मनुष्य। लेकिन वो मनुष्य क्या सोच रहा है, मैं वैसा करूंगा। चार बातें हैं। एक और बात मुझे बताकर उसको खत्म करना पड़ेगा, एक्चुअली मेरे टॉपिक में नहीं, लेकिन प्रभु मेरे स्पिरिट में वो बात डाल रहे हैं। याकूब की पत्री में, एक दो मिनट दे दो, मैं उसको ढूंढ कर आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमें एक बात सिखाई गई है, हाँ, याकूब उसका चौथा अध्याय, याकूब की पत्री चौथा अध्याय वचन 13-17 तक, याकूब चौथा अध्याय 13-17। आज के मेरे टॉपिक में नहीं था, लेकिन प्रभु ये मेरे दिल में डाल रहा है ताकि आपको इन वचनों को जोड़कर कुछ बातें समझ में आएगी। याकूब चौथा अध्याय वचन 13-17, तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, परमेश्वर पे डिपेंड नहीं है, अपनी ताकत पे, अपने ज्ञान पे, अपने बलबूते पे करेंगे। देखो मनुष्य बहुत बड़े बड़े प्लान करता है, बिजनेस प्लान, फैमिली प्लान, फ्यूचर प्लान, बड़े बड़े प्लान करते बैठता है, लेकिन जो प्लान करता है ना, वो प्लान करने वाला उसका लाभ उठा नहीं पाता है। आगे, आप ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, पता है क्या कल क्या होगा, मैं हूं या आप हो, सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो, भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं जाऊंगा ये करूंगा, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वो काम भी करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले मैं जाकर व्यापार करूंगा, यहाँ से वहां जाऊंगा,
बाइबल कहती ये मत कहो, यदि प्रभु चाहे तो, यदि प्रभु की मर्जी है तो, यू शुड ऑलवेज डिपेंड द ऑलमाइटी जीसस, आपको उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आगे देखो, पर तुम अपनी दीन मांगने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड पूरा होता है, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है। ये मेरी भाषा नहीं है, ये बाइबल की भाषा है। आपको अगर जीवन मसीह जीवन जीना है ना, आपको जिस हालत हमें आनंद है, आप बहुत ऊंचे स्थान पर हो, आप बहुत ऊंचे पोस्ट पर हो, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है, आप बहुत आलीशान घर में हो, आलीशान कार में हो, हमें अच्छा है। लेकिन भले मुझे देखने वाला एक मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या हाई क्लास हो, जिस हालात में भी हमें ना, उस हालात में एक ही कहना चाहिए, प्रभु तेरे नाम के लिए हम जीते हैं, तू बड़े हम घटे, ऑल ग्लोरी गोज टू जीसस, आई एम नथिंग विदाउट जीसस, आई एम नथिंग 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 विदाउट जीसस, ये हमारी गवाही होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी बहुत हमें शोहरत मिलती है, थोड़ी बहुत दौलत मिलती है, थोड़ी बहुत हमें ज्ञान मिलता है, टैलेंट्स मिलते हैं, सुंदरता मिलती है, पर्सनैलिटी मिलती है, दुनिया में शोहरत मिलती है, थोड़ा बहुत धन दौलत मिलता है, घर जायदाद मिलती है, हम भूल जाते हैं ये देने वाला वो है, उसके कारण मुझे मिला है, मेरी क्या औकात है मुझे लेने की, मैं जी रहा हूं उसके बलबूते पर, मेरी सांसें चल रही है उसके बलबूते पर, अगर वो मेरी सांसों को रोक देगा तो क्या है मेरे बॉडी, मैं जब तक जीवित हूं तब तक मेरा नाम राजू ठाकुर है, लेकिन मेरा लाइफ खत्म हो गया ना तो घर वाले भी कहते कि बॉडी अभी तक आई नहीं। मैं परसों एक COVID-19 का फ्यूनरल के लिए गया था, उन्होंने फ्यूनरल के लिए बुलाया था, फ्यूनरल करने के लिए कोई नहीं था, एक जवान लड़का 35 साल का लड़का, एक बड़ा टैलेंटेड लड़का, वो इस कोरोना वायरस में मारा गया, मर गया, वो प्रभु में सो गया। उसकी मयत में फ्यूनरल में जिनके 7 लोग थे, मुझे पकड़ के 7 लोग थे, 4 लोग कॉफिन लाने के लिए, 2-3 लोग घर वाले और मैं एक। जब तक वो जिंदा था उसको एक नाम था, लेकिन जब कब्रिस्तान के पास सेमेटरी के पास थे तो आपस में बोल रहे थे बॉडी अभी निकली है, बॉडी हॉस्पिटल से निकली है, बॉडी एम्बुलेंस में रख गई है, बॉडी अभी स्वर्गेट तक आई है, बॉडी अभी फातिमा नगर तक आई है। नाम भी नहीं रहता उस व्यक्ति का। इसलिए है इंसान, घमंड मत कर, घमंड करना है तो उस पर कर जिसकी सांसें मेरे भीतर चल रही है, जिसकी बदौलत मैं जिंदा हूं, तब तक मुझे एक नाम है। अगर वो सांसें वो बंद कर देगा ना, सारी दुनिया मुझे एक बॉडी या एक मरी हुई शरीर कहेगा। इसलिए इस जिंदगी में हालात कितने बड़े क्यों ना हो या कितने नीचे क्यों ना हो, हर हालात में एक कहना सीखो, प्रभु मेरे जीवन में जो भी है वो तेरे कारण है, मैं कुछ जो भी होना हो तेरे कारण, तेरे कारण। अगर इस नम्रता से चलोगे ना, बाइबल कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन, नीति वचन में 14 अध्याय में दिया, नम्रता और परमेश्वर का डर, उसका इनाम धन सम्मान और जीवन यही है। क्या आपको वो चाहिए? तो आइए आज परमेश्वर के साथ वाचा बांधो, आई एम नथिंग विदाउट यू, यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हूं, अगर तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मुझे कुछ कीमत नहीं है। शायद दुनिया को मूर्ख समझे, समझने दो, लेकिन स्वर्ग हमें देखकर अभिमान महसूस करेगा, वाह ये है व्यक्ति जिसने यीशु का दामन छोड़ा नहीं। जो व्यक्ति गिराया गया, जिसके अंदर ये 4 मई महीने देखा, जो पहले अभिमान आया वो कहता है मैं स्वर्ग से ऊंचा जाऊंगा, दूसरे मई में वो क्या कहता है, मैं मेरा सिंहासन परमेश्वर से बड़ा लगाऊंगा, ये आया अहंकार। तीसरा मई हमने देखा, उसमें वो कहता है गर्व के कारण मैं बादलों से भी ऊंचे स्थान में रहूंगा, और चौथे मई में वो क्या कहता है, घमंड के द्वारा वो कहता है मैं परम प्रधान के लेवल पर आ जाऊंगा, तुल्य हो जाऊंगा। ये अहंकार, ये अभिमान, ये गर्व और ये घमंड बाइबल कहता है जो हमने यहेजकेल नबी की किताब से देखा, इसी के कारण उसको जमीन पर जोरदार फेंक कर उसको
वहां से निकाल दिया गया, उसको फेंक दिया गया नीचे। जो जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपनी अकड़ दिखाएगा, परमेश्वर उसको एक समय में नीचे निकाल देगा। ये समय है, ये कोरोना वायरस में, इस लॉकडाउन में खुदावन ने समय दिया इंसान को, जिनको बहुत धन का घमंड हुआ था, अपनी शानो शौकत का, देश के देश खंडर हो गए खंडर, कोई इंसान दिखता नहीं है चर्च में, इंसान दिखता नहीं है चर्च में। मैं वीडियो देखकर वो पड़ा, एक बहुत बुजुर्ग पास्टर इटली के अंदर कुछ महीनों के बाद चर्च में आए, उनका सारा चर्च खाली पड़ा था, फिर वो पुलपिट से नीचे आए, उस बेंच के ऊपर एक फोटो रखा गया था, जो व्यक्ति जिस जगह पे बैठता था उसकी फोटो वहां पर रखी गई थी, सारा चर्च खाली हो गया था। इमारत तो है लेकिन लोग ही नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, घमंड मत कर, ये सांसें उसने हमारे भीतर रखी है ताकि हम उसके नाम पर घमंड करें। यिर्मयाह नबी कहता है, अगर घमंड करना है, अभिमान करना है, तो यीशु नाम का घमंड करो, ये तुम्हारी धन दौलत ताकत शौहरत कुछ काम न है। जब वो आखिरी नरसिंह का फूका जाएगा तो कुछ हमारे साथ नहीं आएगा, जिन्होंने वो सत्कर्म के द्वारा धीरज का धन कमा कर रखा है ना, फिर भले वो कब्रिस्तान में गड़े हो, फिर या वो जिंदा हो, वो महिमा का शरीर पाकर यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। वो धन चाहिए हमें, धन अगर कमाना है, हमें अगर फिक्स डिपॉजिट करना है ना, वो परमेश्वर के राज्य में। इसलिए जो भी करोगे उसके लिए करो, इंसान के लिए कितना भी करो वो कल भूल जाएगा। यस, तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहा फ्यूचर, धन दौलत सब चाहिए, लेकिन हमारी पहली जरूरत क्या है पता है? हमारी पहली जरूरत हमारा परमेश्वर यीशु, अगर वो है ना तो सब कुछ है, वो है तो सब कुछ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज जो हमने सीखा है, आज जो हमने समझा है, अगर आपको सच में इस कलाम के द्वारा आशीष मिली है, इस वीडियो को, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों के अंदर जो चार प्रकार का मय काम करता है, नंबर एक का मय हमने देखा जिसे अभिमान कहा गया है, जो शैतान यशया नबी के वो 14:12 में हमने देखा है, वो क्या कहता है कि मैं इसे चार बार कहता है वो, और पहले मय में उसने अपने अभिमान को प्रकट किया, अब वो कहता है कि मैं स्वर्ग से ऊपर जाऊंगा। दूसरे मय में वो कहता है मैं परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊपर सिंहासन लगाऊंगा। तीसरे मय में वो कहता है मैं मेघों से ऊपर जाऊंगा। और चौथे मय में वो कहता है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, बाप के समान हो जाऊंगा कहता है। ये चार मय में नंबर वन आ गया अभिमान, नंबर दो पे आ गया अहंकार, नंबर तीन पे आ गया गर्व, नंबर चार पे आ गया घमंड, और ये चार बातें एक चीज में समाई हुई है जिसे कहा जाता है मन की लालसा। धन की लालसा देखी, तन की लालसा देखी, ये मन की लालसा में ये चार चीज में से अगर एक चीज भी है ना, तो हमारे लिए सावधान होने की आज बात बता रहे परमेश्वर, नहीं तो हम भी गिराए जाएंगे। गिरने से पहले नम्र हो जाओ, बाइबल स्पष्ट कहती है गिरने से पहले घमंड आता है और उठने से पहले नम्रता आती है। हो जाओ नम्र अपने आप को। नम्रता की और कुछ बातें हम देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल को हम बाइबल में देखेंगे, कुछ कैरेक्टर्स को हम आगे देखेंगे आने वाले सेशंस में मंडे से। इसलिए तब तक इस वचन के ऊपर अध्ययन करो। अगर आपके अंदर अगर कोई ऐसा कोई अहंकार है, ज्ञान का, धन का, नाम का, शौहरत का, दौलत का, सेवकाई का, तो इस घमंड को, इस अहंकार को, अभिमान को, गर्व को निकाल दो और कहो प्रभु मुझे तू नम्र कर, नम्र कर, नम्र कर प्रभु, हे प्रभु तू मुझे नम्र कर, मैं नम्र होना चाहता हूँ, मूसा के जैसा नम्र होना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा कलाम है नीति वचन 29:23 में तू कहता है घमंड के कारण इंसान को नीचे देखना पड़ता है, लेकिन नम्र आत्मा वाला,
महिमा का अधिकारी होता है, तो मुझे महिमा का अधिकारी होना है। मुझे धन दौलत का, दौलत शौहरत का नहीं, तो महिमा का अधिकारी होना है, इसलिए मुझे तू नंबर बना, नंबर बना। आज उस नम्रता से चले। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष।